रिएक्शन देने वाले हैं तलहा अंजुम के एक न्यू सॉन्ग पे जिसका टाइटल है सिंस तुम, नॉट सिर्फ तुम, इट्स सिंस तुम। सुन के तो लग रहा है जानी, हाँ जानी के चैनल पे है ये सॉन्ग एंड फीचर्ड है इसमें तलहा अंजुम और ये ऑडियो सॉन्ग है। तो अगेन अब तलहा अंजुम के जैसे आपको पता है कि यहाँ पे एक फ्लावर है, तलहा फ्लावर ही देखने तो अब ये मुझे जहां तक लग रहा है कि ये काइंड ऑफ थोड़ा रोमांटिक होने वाला है सॉन्ग, मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सुन लेते हैं सॉन्ग एंड आफ्टर दैट वी विल गिव आवर रिएक्शन। तो वो स्टार्ट करते हैं प्यारिया ख्याल है मेरा, तू पहला मलाल है मेरा, मैं जादूगर हूँ कलम के साथ, तू पहला कमाल है मेरा। अब मुझे तेरी याद है बहुत, मैं करूँ तुझे एक टेक्स्ट बार, but you don't give a fuck about me, बता दे जाना घर कब आएगी। पहुँच जाएंगे पैगाम की तरह, ढल जाए किसी शाम की तरह, ढूंढते फिर हमें शहर भर में अपने कीमती सामान की तरह। हम तेरे मेजबान ना सही, शबे गम कोई आसान ना रही, मैं सीख कर बैठा हूँ दिल बहलाने का हुनर, तेरे आने के आसार ना कहीं। तू जो मुस्कुरा दे मेरे हर जख्म को मरहम दसे आब हो, तू जो गुनगुना दे कोई लोह की धुन सा लगे इजहार हो, तू जो गले लगा ले जैसे हर कली की महक बेकार हो। तुम क्या हो तुम खुद नहीं जानती, ये सब मेरे साथ हर बार हो। मिले तो ठीक ना मिले तो दिल ये खंजरों से चाक हो गया और सर पे बोझ परेशानियों का बरम क्लॉक टेन स्टूडियो में लगा रहता लड़का रात दिन बॉटम ऑफ द बॉटम जानी यू नो आई हैव बीन नाउ आई एम एट द टॉप जैसे मैं कोई हाकिम संगतों ने रंग बदले दे बिन टॉकिंग ना आए मौत बर ना आई मौत भी जान मेरी जिंदगी गजल बन गई तू इंसाफ ना करे तू अदल बन गई तुझसे लाखों मील जैसे तू हो चांद तेरी रोशनी अब कशिश सकल सी बन गई ना टूटने से टूटे वो कसम सी बन गई मैं लिखूं शायरी तू अदब सी बन गई जो छोड़ दी अधूरी वो नज़म सी बन गई मैं याद करूं तुझको तू सबक सी बन गई फिर उम्मीद क्यों जगाती हो तुम कहाँ हो क्या स्याही मैं समाती हो हमेशा देर कर देता हूँ मैं पता है ना तो मेरी जान तुम भी वक्त पर क्यों आती हो हम खुद से बागी हैं या बेखबर न मौत आती है ना ही सबर तू ही ना मिला मुझे अगर तो मैं फासले बढ़ाऊं तुमसे बस तू खींचे अपनी ओर ना चलता खुद पे जोर तू डाले ऐसी डोर I'm hoping you don't let it go छोड़ो ये बहाने ये कहानियां बढ़ाओ ना तुम दिल की परेशानियां हम पहले आशिक तो नहीं है जाने मन ये इश्क खा गया बड़ी जवानियां मैं इस फर्ज से जुड़ के बहुत खुश क्या करें तेरी हवाएं हैं सवारियां हम खो गए हैं खुद में मिलके नहीं दे रहे अब क्या ईद क्या दिवालियां बस एक झलक जो दिख जाए मुझे तेरी तो शुरू करें हम ईद की तैयारियां मैं इस फर्ज से जुड़ के बहुत खुश बादलों से है लगाई तूने यारियां तेरे सामान से भरी मेरी अलमारियां मत करो तुम और मजीद मेहरबानियां मैं बस दिल की बात कहने वाला था तुम्हें फिर किसी ने मुझको नींद से जगा दिया माहिर हो गया हूँ मैं भी अब तड़पने में तो क्यों डरेंगे हम भी दिल को रखने में बदल गए हो तुम भी या पता नहीं तुम ऐसे तो नहीं थे मेरे सपने में यहाँ पे भी नहीं है।
दिस वॉज द सॉन्ग. बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग, बहुत प्यारा सॉन्ग था, बहुत हार्ट टचिंग सॉन्ग था. ये सॉन्ग जो था ना, ये बहुत स्ट्रेट सॉन्ग था. स्ट्रेट सॉन्ग था बट बहुत टफ था ये सॉन्ग, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि स्ट्रेट सॉन्ग्स गाना टफ होता है. जो लोग सिंगर्स हैं उनको पता होगा, ये सिंगर रह चुकी है, मतलब गाना गाया है इसने, कंपटीशन वगैरह भी किया है. सो शी आल्सो नोस की स्ट्रेट सॉन्ग्स जो है उनको सॉन्ग्स नॉट सॉन्ग्स सॉन्ग्स स्ट्रेट सॉन्ग्स को जो है गाना टफ होता है. तो और यहाँ पे आपको वोकल को सेम रेंज पे रखना पड़ता है, आपको एक स्केल चूज करके एक छोड़ेगा दूसरा पकड़ेगा. या बेसिकली वो वाला पोर्शन थोड़ा टफ हो जाता है जब एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ना होता है. फ्लो चेंज होता है बीच में जब, क्योंकि स्केल भी चेंज होता है, एज रेंज वॉइस चेंज वगैरह सब कुछ बदलता है तो अलग होती है ना. एंड ऊपर से अगर बीच में इंस्ट्रूमेंटल लिया जाए तो फिर भी थोड़ा इजी हो जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट के बाद यहाँ से इतने पोर्शन के बाद आपको फिर से इंटर करना है वहां से. बट जब एक सॉन्ग छोड़ते ही दूसरे को पकड़ना होता है तब वो पकड़ने वाला मतलब जो सिंक हो रहा होता है वो बिल्कुल परफेक्ट करना होता है, तो उसके लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है. और यहाँ पे ये बहुत सही लग रहा था, बहुत सही लग रहा था मेरे हिसाब से. तो भाई कितने भी बड़े आर्टिस्ट हो, टफ गाना तो टफ ही होता है उनके लिए. ऐसा तो नहीं है कि इजी हो जाएगा, वो इजी बना देते हैं उस चीज को अपने प्रैक्टिस से, अपने टैलेंट से. तो हमें पता है कि तलहा अंजुम किस लेवल के आर्टिस्ट है. हमने इसके पहले उनके सॉन्ग्स पे रिएक्शन दिए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा. जानी का हमने नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम लोग उनको, हमें बहुत अच्छा लगा. और दोनों ने बहुत सही गाया है, बहुत प्यारा सॉन्ग था. स्पेशली स्टार्टिंग जहाँ से हुआ जो कोरस था, और वहां पे बिल्कुल भी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, एंड के तरफ भी था, बीच में भी था, वो मेरा फेवरेट पोर्शन था. मुझे और किया था बीच में, वो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट ही है. वो तीन लोगों का ग्रुप है वो. हाँ, उनका उनके जो उमर, उनके रफी. तो वो तीनों जो है वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है. हमने बहुत अच्छे रिएक्शन भी दिए. वो जो शिकायत सॉन्ग था उस पे हमने रिएक्शन उस पे भी दिया था. उस सॉन्ग की मुझे भाई नहीं, जैन वाला भी दिया था. बट वो सॉन्ग खास करके जहाँ से जानी एंटर हुए ना, वहाँ से वो चीज थोड़ा ज्यादा लग रहा था. तो मुझे और की वाइब आ रही थी, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक वेटिंग सॉन्ग था. मैंने बोला कि इसको इसको सॉन्ग के बीच मैंने बोला कि हाँ, तो ये वेटिंग प्लस रोमांटिक, जिसको बोलते हैं ना, वो मतलब क्या बोलते हैं, आने के पहले का जो वेट होता है, किसी के आने के पहले का जो इंतजार होता है, इंतजार सबसे घटिया होता है, वो नहीं करना चाहिए. नहीं, तो दैट इंतजार वाला सॉन्ग इट वाज. और उसके बाद और का जो सॉन्ग आया था वो इंतजार था, तो गुजरने के बाद एंड में जो होता है वो आया था. एक शो आता था स्टार प्लस पे जिसका टाइटल था प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा, मीठा मीठा नहीं, दो ही मीठा मीठा प्यारा प्यारा. नकुल थे उसमें जो इश्कबाज में थे, एंड राहुल वैद्य की जो वाइफ है दिशा, दिशा वो थी उसमें परमार. हाँ, वो फर्स्ट शो था उनका, तो उसका टाइटल जो है बहुत फिक्स्ड बैठ रहा है इस सॉन्ग के साथ. भाई मुझे तो ये सॉन्ग बहुत प्यारा लगा. कब ये सॉन्ग खत्म हो गया मुझे समझ ही नहीं आया. जब वो खत्म हुआ तो मैंने उसको बोला भी कि खत्म हो गया, तो क्योंकि एंड जो था वो अचानक से कर दिया. बट सॉन्ग बहुत अच्छा था, हमने बहुत. बट मैं सच बोलू तो नेचुरली जो सॉन्ग अजीब तरीके से खत्म होते ना वो लगते हैं, बट ये सॉन्ग ऐसा लगा नहीं कि कहीं मतलब खत्म किया अचानक से. बट वो अचानक से में भी इतना ज्यादा सुकून था ना कि वो लगा ही नहीं कि अचानक से खत्म हो गया. सो गाइज, दिस वॉज अवर रिएक्शन. वी होप आपको अच्छा लगा होगा. तो अगर आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके. एंड गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा हैंडल्स दिए हुए हैं, अगर आप हमें फॉलो करना चाहो तो आप हमें फॉलो कर सकते हो. अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.